हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप लोग। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और मैं अपने बच्चों को नहला के तैयार कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं मम्मी जी को लंच दूंगी और लंच में आज कुछ खास नहीं था तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर नहीं की। हाँ, मैं जब मम्मी जी के लंच निकालूंगी तो उसको आप लोगों के पास दिखाऊँगी ज़रूर। तो अभी मैं अपने बच्चों को नहला धुला के कपड़ा पहना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग से बात करती हूँ। और आज मंगलवार है, कल मंडे था तो कल का मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कल इतना मेरा मूड डिस्टर्ब था, ऐसी बैड न्यूज़ मिल गई कि मैं दिन भर मोबाइल उठाया ही नहीं वीडियो बनाने के लिए। तो चलो अब मैं मम्मी जी को लंच दे लेती हूँ। तो लंच में बना था चावल, दाल, रोटी और कलौजी, जो कि कलौजी की रेसिपी बहुत आसान है और सबको पता है कि कैसे बनती है, तो इसलिए मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँ तो ज़रूर कर दें। और कलौजी में आलू, करेला, बैंगन और परवल का है। और अभी शाम के बज रहे हैं लगभग 4:45 और आज मार्केट जाना है क्योंकि मैं बहुत दिनों से मार्केट जाने वाली थी, घर का सामान ख़त्म हो गया था सारा लेने के लिए, पर मैं नहीं जा पा रही थी। तो आज अब मूड बन गया कि मैं जाऊँ ले ही लूँ, तो मैं उसके लिए तैयार हो रही हूँ और फिर तैयार होकर मैं मार्केट के लिए निकलूँगी। तो फिर मैं तैयार होकर निकलती हूँ मार्केट के लिए और फिर मैं दिखाती हूँ कि मार्केट में भीड़ है या नहीं है। तो अभी मैं अपनी कॉलोनी में हूँ इसलिए मैं सर पर पल्लू रखी हुई हूँ और जैसे मैं इसके बाहर अभी मैं बाहर निकल गई हूँ मेन रोड पे, तो अभी रोड एकदम इस तरह से सन्नाटा हो था क्योंकि पहले जिस दिन आज चहल पहल रोड पे एकदम बिल्कुल नहीं दिखा। और हाँ, जहाँ मैं दुकान पे गई थी सामान लेके वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो फाइनली हम लोग वहाँ दुकान पे पहुँच गए और दुकान के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग फिर अपने में डिसाइड किए और दुकान के अंदर हम लोग अपना एरिया बाई बांटे। मैं इनको बोले कि जिधर सर्फ साबुन है आप उधर चले जाओ, उधर से ले लो, और मैं इधर जिधर तेल मसाला हल्दी नमक और नमकीन बिस्किट है मैं इधर से सब ले लेती हूँ, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन इतनी काफ़ी भीड़ थी कि हम लोग को अपना एरिया बांटने के बाद भी लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा। और उसके बाद जितना टाइम यहाँ हम लोग को सामान लेने में लगा उतना ही हम लोग को लगभग बिलिंग करवाने में भी लगा आधे से 1.5 घंटा, क्योंकि बिलिंग वाले में भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो अभी हम लोग अपना अपना सामान ले ले रहे हैं तो उसके बाद फिर हम लोग से मिलते हैं। Oh,
बास्केट रहा अभी अभी दो बास्केट लगभग हो गया सामान, जिसमें भी आधे सामान हुए और आधे सामान अभी लेना बाकी है। तो मैं चलती हूँ, जो बचे कुछ सामान में उनको भी ले लेती हूँ। तो अब उसके बाद यहाँ बिलिंग की बारी आ गई, और बिलिंग वाले में लगभग 8वें 9वें नंबर पे मेरी लाइन थी। तो एक एक लोग का लगभग इतना सारा सामान था कि 10 से 15 मिनट एक लोग को लगता था। और ये देखिए आप लोग कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और ये रहा लगभग 3-4 टोकरी मेरा सामान। और ये देखो बेचारी अबला नारी खड़ी है, किसी को तरस भी नहीं आ रहा है कि थोड़ा रास्ता दे दे और अपना हम सामान ले ले। और अब मैं अपना बिलिंग करवाने के बाद आके अपने फोर व्हीलर में बैठ गई, और मैं ये दो किटकैट कर ली हूँ। तो एक घर ले चलूँगी बाबू लोग के लिए, और एक मैं खा जाऊँगी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8, और मैं नहा धो ली हूँ, और ये मम्मी पूजा कर रही, और मैं जा रही हूँ अभी फूल तोड़ने। तो अभी मैं यहाँ जब बाहर आती हूँ तो देखती हूँ यहाँ पर सारे फूल मम्मी तोड़ चुकी हैं। तो ठीक है, मैं अब अपना पूजा वूजा कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, क्योंकि कल मैं अपने ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई, क्योंकि इतना मैं थक चुकी थी कि मैं उसके बाद घर आने के बाद कुछ रिकॉर्ड ही नहीं की। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने ब्लॉग का एंड आज कर दूँ ये। तो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। और अभी ये लगभग बज रहे हैं 9:30, और ड्यूटी जा चुके हैं, और नाश्ता आज बाज़ार से ही आया था। और ये चंद्रकला मिठाई है, और एक समोसा है, और चटनी, और गरम गरम समोसा आया था मार्केट से ही आज नाश्ता। तो मैं नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद देखती हूँ कि लंच में आज क्या बनता है। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे आज एंड करूँगी। और अब मैं जितनी भी सामान लाई हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ ज़रूर दिखाऊँगी। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। लक्ष्मी का नहीं, लोकमी का लिपस्टिक लगाई है, गजब है। मतलब इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रही है। और ये मैडम क्यूटी की एक दो पिक्चर कल वाली।